नमो भगवते रुद्राय, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शिव पुराण की कथा के बारे में सुनेंगे, श्री रुद्र संहिता प्रथम खंड 8वें अध्याय के बारे में। ब्रह्मा विष्णु को भगवान शिव के दर्शन, आज के इस अध्याय में हम इस पर ही विचार करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ नारद, हम दोनों देवता घमंड को भूल कर निरंतर भगवान शिव का स्मरण करने लगे। हमारे मन में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट परमेश्वर के वास्तविक रूप का दर्शन करने की इच्छा और प्रबल हो गई। शिव शंकर गरीबों के प्रतिपालक, अहंकारियों के गर्व को चूर करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम पर दया करते हुए हमारी उपासना से प्रसन्न हो गए। उस समय वहाँ उन सुरश्रेष्ठ से ओम नाद अस्पष्ट रूप से सुनाई देता था। उस नाद के विषय में मैं और विष्णु जी दोनों यही सोच रहे थे कि यह कहाँ से सुनाई पड़ रहा है। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आकार का सूर्यमंडल के समान तजोमय रूप देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में देखा तो वह अग्नि के समान दीप्तशाली दिखाई दिया। तत्पश्चात ओम को देखा जो सूर्य और चंद्रमा मंडल की भांति स्थित थे और जिनके शुरू एवं अंत का कुछ पता नहीं था, तथा सत्य आनंद और अमृत स्वरूप पर ब्रह्मपरायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था। परंतु यह कहाँ से प्रकट हुआ है, इस अग्नि स्तंभ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यह श्री हरि सोचने लगी तथा इसकी परीक्षा लेने के संबंध में विचार करने लगी। तब श्री हरि ने भगवान शिव का चिंतन करते हुए वेद और शब्द के आवेश से युक्त हो अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाने का निर्णय किया। मैं और विष्णु जी विश्वात्मा शिव का चिंतन कर रहे थे, तभी वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर विष्णु ने जाना कि इस सप्त ब्रह्ममय शरीर वाले परमलिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप महादेव जी प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित रुद्र हैं, पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक प्रणव ही है। वह एक सत्य परम कारण आनंद अकृत परात्पर और परब्रह्म है। प्रणव के पहले अक्षर अकार से जगत के बीज भूत अर्थात ब्रह्मा जी का बोध होता है। दूसरे अक्षर उकार से सभी के कारण श्री हरि विष्णु का बोध होता है। तीसरा अक्षर मकार से भगवान शिव का ज्ञात होता है। अकार सृष्टिकर्ता, उकार मुंह में डालने वाला और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार अर्थात भगवान शिव बीजी अर्थात बीज के स्वामी हैं, तो अकार अर्थात ब्रह्मा जी बीज हैं, उकार अर्थात विष्णु जी योनि हैं, महेश्वर बीजी बीज और योनि हैं। इन सभी को नाद कहा गया है। बीजी अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करते हैं। बीजी भगवान शिव के लिंग के उकार रूप योनि में स्थापित होकर चारों तरफ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। वह दिव्य अखंड कई वर्षों तक जल में रहा। हजार वर्ष के बाद भगवान शिव ने इस अंड को दो भागों में विभक्त कर दिया। तब इसके दो भागों में से पहला सुवर्णमय कपाल ऊपर की ओर स्थित हो गया, जिससे स्वर्गलोक उत्पन्न हुआ तथा कपाल के नीचे के भाग से पांच तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुई जो समस्त लोकों के सृष्टा हैं। भगवान महेश्वर ही अ उ व म त्रिविध रूपों में वर्णित हैं, इसलिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव को ओम कहा गया है। इसकी सिद्धि यजुर्वेद में भी होती है। देवेश्वर शिव को जानकर विष्णु जी ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित भगवान शिव की स्तुति करने शुरू कर दी। इसी समय मैंने और विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक अद्भुत व सुंदर रूप देखा, जिसकी पांच मुख 10 भुजा कपूर के समान गौरवर्ण परम कांतिमय अनेक आभूषणों से भूषित महान उदार महावीर्यवान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त था, और जिसके दर्शन पाकर मैं और विष्णु जी धन्य हो गए।
तब परमेश्वर महादेव भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्यमय रूप में स्थित हो गए। अकार उनका मस्तक और आकार लालाट है, इकार दाहिना और ईकार बायां नेत्र है, उकार दाहिना और ओकार बायां कान है, ऋकार दायां और ऋकार बायां काल है, ऋ लिरलि उनके नाक के छिद्र हैं, एकार और एकार उनके दोनों होठ है, ओकार और ओकार उनकी दोनों दंत पंक्तियां हैं, अंग और अह देवादिदेव शिव के तालु हैं, क आदि पंच अक्षरों के दाहिने पांच हाथ हैं और च आदि बाएं पांच हाथ हैं, त और ट से शुरू पांच अक्षर उनके पैर हैं, पकार पेट है, पकार दाहिना और बकार बायां पार्श्व भाग है, भकार कंधा, मकार हृदय है, हकार नाभि है। य से स तक के सात अक्षर सात धातु हैं जिनसे भगवान शिव का शरीर बना है। इस प्रकार भगवान महादेव वो भगवती उमा के दर्शन कर हम दोनों कृतार्थ हो गए। हमने उनके चरणों में प्रणाम किया तथा हमें पांच कलाओं से युक्त ओंकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी ओम तत्वमसी महावाक्य दृष्टि गोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है। इसके बाद धर्म और अर्थ का साधक बुद्धि स्वरूप 24 अक्षरीय गायत्री मंत्र प्रकट हुआ, जो पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति व चिंतामणि का साक्षात्कार हुआ। इन पांचों मंत्रों को विष्णु भगवान ने ग्रहण कर जपना आरंभ किया। इसो के मुकुटमणि ईशान हैं, जो पुरात्व पुरुष हैं, हृदय को प्रिय लगने वाले, जिनके चरण सुंदर हैं, जो सांप को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके पैर वो नेत्र सभी ओर हैं, जो मुझ ब्रह्मा के अधिपति कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं, उन वरदायक शिव की मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से स्तुति की। श्री रुद्र संहिता प्रथम खंड 9वां अध्याय, देवी उमा एवं भगवान शिव का प्राकट्य एवं उपदेश देना। ब्रह्मा जी बोले, नारद, भगवान विष्णु द्वारा की गई अपनी स्तुति सुनकर कल्याणमयी शिव बहुत प्रसन्न हुए और देवी उमा सहित वहाँ प्रकट हो गए। भगवान शिव के पांच मुख थे और हर मुख में तीन तीन नेत्र थे, मस्तक में चंद्रमा, सिर पर जटा तथा संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी, 10 भुजा वाले गले में नीलकंठ, आभूषणों से भूषित और माथे पर भस्म का त्रिपुंड लगाए थे। उनका यह रूप मन को मोहित करने वाला और परम आनंद में ही था। महादेव जी के साथ भगवती उमा ने भी हमें दर्शन दिए। उनको देखकर मैंने और विष्णु जी ने पुनः उनकी स्तुति शुरू कर दी। तब पापों का नाश करने वाले तथा अपनों भक्तों पर सदा कृपा दृष्टि रखने वाले महेश्वर ने मुझे और भगवान विष्णु को श्वास से वेद का उपदेश दिया। तत्पश्चात उन्होंने हमें गुप्त ज्ञान प्रदान किया। वेद का ज्ञान प्राप्त कर कृतार्थ हुए विष्णु जी और भगवान शिव और देवी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया तथा प्रार्थना की। विष्णु जी ने पूछा, हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार आपकी पूजा और ध्यान करना चाहिए, कृपया कर हमें इसके बारे में बताएं तथा सदुपदेश देकर धन्य करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार श्री हरि की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कृपा निधान शिव ने प्रतिपूर्वक यह बात की। श्री शिव बोले, मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मेरे इसी रूप का पूजन वो चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो, मेरे दाएं बाएं अंगों से तुम प्रकट हुए हो, लोकपिता ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से और पालनहार विष्णु मेरे बाएं पार्श्व से प्रकट हुए हैं। मैं तुम पर भली भांति प्रसन्न हूँ, तुम्हें मनोवांछित फल देता हूँ, तुम दोनों की भक्ति सुदृढ़ हो, मेरी आज्ञा का पालन करते हुए ब्रह्मा जी आप जगत की रचना करें तथा भक्त विष्णु जी आप इस जगत का पालन करें। भगवान विष्णु बोले, हे प्रभु, यदि आपके हृदय में हमारी भक्ति से प्रीति उत्पन्न हुई है और आप हम पर प्रसन्न होकर हमें वर देना चाहते हैं,
तो हम यही वर मांगते हैं कि हमारे हृदय में सदैव आपकी अनन्य एवं अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी बोले, नारद विष्णु जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हुए। हम दोनों ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, मैं सृष्टि पालन और संहार का करता हूँ। मेरा स्वरूप सगुण और निर्गुण है। मैं ही सच्चिदानंद निर्विकार परब्रह्म और परमात्मा हूँ। सृष्टि की रचना रक्षा और प्रलय रूप गुणों के कारण मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम धारण कर तीन रूपों में विभक्त हुआ हूँ। मैं भक्त वत्सल हूँ और भक्तों की प्रार्थना को सदैव पूरी करता हूँ। मेरे इसी अंश से रुद्र की उत्पत्ति होगी। पूजा के विधि विधान की दृष्टि से हमें कोई अंतर नहीं होगा। विष्णु ब्रह्मा और रुद्र तीनों एक रूप होंगे। इनमें भेद नहीं होगा। इनमें जो भेद मानेगा वह घोर नरक को भोगेगा। मेरा शिव रूप सनातन है तथा सभी का मूलभूत रूप है। यह सत्य ज्ञान एवं अनंत ब्रह्म है। ऐसा जानकर मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। मैं स्वयं ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी से प्रकट होऊंगा। ब्रह्मा जी, आप सृष्टि के निर्माता बनो। श्री हरि विष्णु इसका पालन करें तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले रुद्र प्रलय करने वाले हैं। उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं। इन्हीं की शक्ति भूता वाग्देवी सरस्वती ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी होंगी और दूसरी देवी जो प्रकृति देवी से उत्पन्न होगी लक्ष्मी रूप में विष्णु जी की शोभा बढ़ाएगी तथा काली नाम से जो तीसरी शक्ति उत्पन्न होगी वह मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होगी। कार्य सिद्धि के लिए वे ज्योति रूप में प्रकट होगी। उनका कार्य सृष्टि पालन और संहार का संपादन है। मैं ही सृष्टि पालन और संहार करने वाले रज आदि तीन गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो तीन रूपों में प्रकट होता हूँ। तीन लोकों का पालन करने वाले श्री हरि अपने भीतर तमोगुण और बाहर सत्वगुण धारण करते हैं। त्रिलोक का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से रजोगुणी हैं। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र तीन देवताओं में गुण हैं तो शिव गुणातीत माने जाते हैं। हे विष्णु, तो मेरी आज्ञा से सृष्टि का प्रसन्नतापूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तुम तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। श्री रुद्र संहिता प्रथम खंड दसवां अध्याय। श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं त्रिदेव को आयुर्बल देना। परमेश्वर शिव बोले, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु, तुम सर्वदा सब लोकों में पूजनीय और मान्य होंगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे लोक में कोई दुख या संकट होने पर दुखों और संकटों का नाश करने के लिए तुम सदा तत्पर रहना। तुम अनेकों अवतार ग्रहण कर जीवों का कल्याण कर अपनी कृति का विस्तार करोगे। मैं तुम्हारे कार्यों में तुम्हारी सहायता करूँगा और तुम्हारे शत्रुओं का नाश करूँगा। तुम में और रुद्र में कोई अंतर नहीं है। तुम एक दूसरे के पूरक हो। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका पुण्य नष्ट हो जाएगा और उसे नरक भोगना पड़ेगा। मनुष्यों को तुम भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और उनके परम पूज्य देव होकर उनका निग्रह अनुग्रह आदि करोगे। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ विष्णु जी के हाथ में देकर कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करना तथा सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सभी मनुष्यों की कामनाओं को पूर्ण करना। तुम्हारी शरण में आने वाले मनुष्य को मेरा आश्रय भी मिलेगा तथा हमें भेद करने वाला मनुष्य नरक में जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि नारद, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मैंने और भगवान विष्णु ने महादेव जी को प्रणाम कर धीरे से कहा, हे करुणा निधि भगवान शंकर, मैं आपकी आज्ञा मानकर सब कार्य करूँगा। मेरा जो भक्त आपकी निंदा करे उसे आप नरक प्रदान करें। आपका भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। महादेव जी बोले, अब ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के आयुर्बल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और 4000 युग की एक रात होती है।
30 दिन का एक महीना और 12 महीनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार के वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है और ब्रह्मा का एक वर्ष विष्णु का एक दिन होता है। वह भी इसी प्रकार से 100 वर्ष जिएंगी तथा विष्णु का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर होता है और वह भी इसी क्रम से 100 वर्ष तक अस्थित रहेंगे। तब शिव के मुख से ऐसा श्वास प्रकट होता है जिसमें उनकी 21,600 दिन और रात होते हैं। उनके 6 बार सांस अंदर लेने और छोड़ने का एक पल और 8 घड़ी और 60 घड़ी का एक दिन होता है। उनकी सांसों की कोई संख्या नहीं है, इसलिए वे अक्षय हैं। अतः तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि का निर्माण करो। उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, क्या आग की आज्ञा मेरे लिए सिरोधार्य है। यह सुनकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। उसी समय से लिंग पूजा आरंभ हो गई। इस प्रकार से श्री रुद्र संहिता प्रथम खंड का 10वां अध्याय समाप्त होता है। बोलो हर हर महादेव की जय। अगले वीडियो में हम श्री रुद्र संहिता के आगे के अध्याय को सुनेंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों।